मैंने कुछ ग्लूकोज हैक्स डिस्कवर किए हैं आप यूज करें ताकि उनका इम्पेक्ट आपकी बॉडी पर कम हो जो आप शुगर ले रहे हैं हम शुगर एंजॉय कर सकते हैं ये नहीं है कि शुगर खाना ही नहीं है अब हैक्स में अगर कोई भी चीज फ्रूट से बनी हुई है या फ्रूट से आ रही है तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्दी होगी लेकिन रियलिटी क्या है एवरी ब्रेकफास्ट वो होता है और पंद्रह ही दिन में देखते देखते उनके एक्ने भी बिल्कुल रेड्यूज होने लगे क्योंकि ये शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्लड स्ट्रीम में तेजी से पहुंचने नहीं देता अगर आपको कुछ मीठा खाना ही है ब्राउन शुगर आपकी बॉडी के लिए मेपल सिरप भी आपने सुना होगा टेबल शुगर भी ज़्यादा बुरा है वो शुगर चूज करनी चाहिए एक टी हनी में जितना एंटी मिलता है उतना ही एंटी आपको कैंपेन उन्होंने चलाया था लेबल पढ़ेगा इंडिया आई विश अब वो कैंपेन चलाए की अब लेबल पढ़ के आगे क्या करेगा ये आपको बहुत ज्यादा बॉटल्स पे देखने को मिल जाएगा रियल फ्रूट रियल तो नाम है उसका अब बड़ा डिबेट स्वीटनर्स की टॉपिक पर जैसे कि स्टीविया हो गया एलुलोज हो गया मॉन्ग फ्रूट हो गया एरथराइटोल हो गया जाइलोटॉल हो गया आप स्वीटनर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो बैड स्वीटनर्स जो अवॉइड करने चाहिए वो हैं बेटर स्वीटनर्स जो कम इंपैक्ट करते हैं हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर वो है अर्चना जिनकी उम्र पच्चीस साल है वो कंसल्टेशन बुक करती है और उनकी मेन कंप्लेन होती है कि उनको बहुत ज़्यादा एकने हो रहे हैं ओवरऑल फेस में उनको पिंपल्स हो रहे हैं और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं बहुत थकन महसूस कर रही हैं अपनी किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रही हैं और एनर्जी लेवल भी बहुत लो था और बात करने के बाद पता चला कि अर्चना का ब्रेकफास्ट होता था एक कप चाय एक स्लाइस ब्रेड और थोड़ा सा जैम ये चीजें जब अर्चना के फ्रेंड्स ने फील करी या उन्होंने नोटिस करी तो उन लोगों ने अर्चना को सजेस्ट किया कि शायद उनका ब्रेकफास्ट प्रॉब्लम है और इस वजह से उन लोगों ने कहा कि तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट कुछ हेल्दी चीजों से रिप्लेस करना चाहिए और अर्चना ये इस बात को बिल्कुल सीरियस लेते हुए उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट को चेंज कर दिया तो जो अर्चना अभी तक ब्रेड खा रही थी चाय पी रही थी चीनी वाली और जो जैम खा रही थी उन्होंने अब इन सारी चीज़ों को एक फ्रूट स्मूदी के साथ रिप्लेस किया था अब अर्चना को लगा कि फ्रूट स्मूदी का शुगर उनके ब्रेन के लिए अच्छा होगा जबकि चाय और ब्रेड का शुगर बुरा होगा हम सबको यही बताया गया हम सबको यही लगता है हमें लगता है कि जो चीज़ फ्रूट से आ रही है अगर कोई भी चीज़ फ्रूट से बनी हुई है या फ्रूट से आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होगी राइट हम सबको यही लगता है और हेल्दी के साथ साथ वो हमारे हेल्थ को प्रमोट करेगी और इनफैक्ट बहुत लोगों को लगता है कि उनको वो बेटर फील करवाएगी लेकिन रियलिटी क्या है रियलिटी ये है कि ये समझना ही कि कुछ शुगर अच्छा है और कुछ शुगर बुरा है ये चीज फंडामेंटली गलत है एक्चुअल बात ये है कि चाय का क्रिस्टलाइज्ड वाइट केन शुगर मॉलिक्यूल सुक्रोज होता है और फ्रूट में जो शुगर मॉलिक्यूल है वो भी सुक्रोज होता है तो दोनों एग्जैक्टली exactly सेम है दोनों में कोई ऐसा फर्क नहीं है अब चाहे शुगर एक बनाना से हो या एक एप्पल से हो या कीवी से हो या एक मैंगो से हो बॉडी को यह नहीं मालूम कि शुगर कहां से आ रही है या किस चीज की है बॉडी के लिए शुगर तो शुगर ही है बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं करती है कि ये शुगर केक से आई है या ये शुगर हॉट चॉकलेट से आई है या फिर ये शुगर फ्रूट से आई है तो मॉलिक्यूल के टर्म्स में ये सब सेम होते हैं और बॉडी में सेम तरीके से प्रोसेस भी होते हैं अर्चना के केस में में वो अपने फ्रूट स्मूदी पहले वाले ब्रेकफास्ट से ज्यादा शुगर लेना शुरू कर दी थी इसकी वजह से उनकी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक और ज्यादा बढ़ गया था और उसकी वजह से उनके एक्ने और बाकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा वर्षन होने लगी थी जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने सबसे पहले उनको इंकरेज किया कि वो अपना ब्रेकफास्ट सेवरी ब्रेकफास्ट के साथ रिप्लेस करें सेवरी ब्रेकफास्ट वो होता है दैट हैव शुगर और स्टार्च एज अ मेन इंग्रेडिएंट जो प्रोटीन से भरा हुआ होता है जिसमें शुगर नहीं होता और सिर्फ अगर मीठा चाहिए तो थोड़ा बहुत इंसान फ्रूट्स ले लेता है एंड बिलीव मी थोड़े से एलोपैथिक मेडिकेशन और इन चेंजेस के साथ अर्चना के सारे इश्यूज बहुत ही जल्दी सॉल्व होने लगे और सबसे पहले शी स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट हर सेल्फ और पंद्रह ही दिन में देखते देखते उनके एक्ने भी बिल्कुल रिड्यूस होने लगे मैं ये चाहता हूँ कि आप ये समझो कि शुगर शुगर ही होता है चाहे वो कैंडी में हो या फ्रूट जूस में हो बस फर्क आता है उसके रैपिंग का जिसमें वो शुगर आता है अगर हम होल फ्रूट का एग्जाम्पल लें जैसे कि एक बनाना हो या एप्पल हो तो उसमें जो शुगर होती है और जो चॉकलेट में शुगर होती है वो दोनों सेम है लेकिन फ्रूट में फाइबर और वाटर भी है ये फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्लड स्ट्रीम में तेजी से पहुंचने नहीं देता जिसकी वजह से स्पाइक नहीं आता फाइबर शुगर के इंपैक्ट को भी रिड्यूस करता है जिसकी वजह से नहीं होता। इसलिए अगर आपको कुछ मीठा खाना ही है तो होल फ्रूट इज द बेस्ट ऑप्शन प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक फ्रूट को डी कर देते हैं जैसे कि अगर आप एक एप्पल लेते हैं और उससे स्मूदी बनाते हैं या फिर मान लें उसको आप ब्लेंड करते हैं या फिर बहुत लोग उससे जूस निकालते हैं तो जब आप एक एप्पल को जूस निकालने के लिए यूज करते हैं तो आप जो उसकी प्रोटेक्ट

तो ये आपके लिए बेटर है लेकिन अगर शुगर को होल फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करके कुछ और बनाया गया है तो ये फ्री फ्लोइंग शुगर है जैसे टेबल शुगर या व्हाइट शुगर होती है तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसलिए क्योंकि शुगर फ्रूट से आई है इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैजिकली आपकी बॉडी के लिए बेटर है या हेल्दी है ये सब सेम स्टफ है अगर फ्रूट से एक्सट्रैक्ट की गई शुगर व्हाइट टेबल शुगर के बराबर है तो अब आप खुद सोचिए ब्राउन शुगर भी तो सेम मॉलिक्यूल है इसलिए आपको बेवकूफ नहीं बनना चाहिए ये सोच के कि ब्राउन शुगर आपकी बॉडी के लिए व्हाइट शुगर के कंपैरिजन में बेटर होगा ब्राउन शुगर भी व्हाइट शुगर ही होता है लेकिन उसमें से टिंड कर दिए जाते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे ताकि ये अपियर हो कि ये आपके लिए बेटर है ये हेल्थियर नहीं होते ये एग्जैक्ट सेम मॉलिक्यूल होते हैं इसी तरीके से कोकोनट शुगर भी मार्केट में अवेलेबल है वो भी सेम मॉलिक्यूल है एक सीरप आता है अगावे नाम का वो भी सेम मॉलिक्यूल है मेपल सीरप भी आपने सुना होगा वो भी सेम मॉलिक्यूल है जो चीज इन सारी चीजों में डिफरेंट होती है वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रेशियो लेकिन इन सारी चीजों में मॉलिक्यूल

जो हनी जैसा दिखता है वो बस लिक्विड शुगर है दूसरा अगर आपको ऑर्गेनिक रॉ लोकल हनी मिल भी जाए तो भी उसमें वही शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो टेबल शुगर में होते हैं उसमें सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है और आपकी बॉडी उन शुगर मॉलिक्यूल्स को भी एक्सैक्टली वही ट्रीट आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है यार कि वो शुगर मॉलिक्यूल्स लोकल हनी प्रोड्यूसर से आ रहे हैं या फिर व्हाइट शुगर से आ रहे हैं जब आप हनी खा रहे हैं तो आप समझो कि आप शुगर ही खा रहे हैं और ये भी आपकी बॉडी में सेम तरीके से प्रोसेस होगी इसे भी रेगुलर शुगर जैसा ट्रीट किया जाएगा और ये भी आपकी बॉडी में बिग ग्लूकोज स्पाइक्स और इन्फ्लामेशन और ग्लाइकेशन कॉज कराएगी मैं ये सब आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं बता रहा मुझे पता है कि बहुत लोगों को हनी बहुत पसंद है मैं बस ये चाहता हूं कि आप समझें कि जब आप हनी खा रहे हैं तो आप उसको प्लेजर के लिए खा रहे हैं वो आप उसको इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो आपको पसंद है आप उसको हेल्थ का टैग देके या आप उसको ये ना समझें कि आप उसको हेल्थ के लिए खा रहे हैं अगर आपको खाना ही है तो आपको वो शुगर चूज करनी चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि सब सेम ही मॉलिक्यूल्स से, है तो एटलीस्ट टेस्ट ही एंजॉय कर लो चाहे आपको ब्राउन शुगर मिले या केन शुगर मिले व्हाइट केन शुगर मिले मेपल गगावे हनी जो भी पसंद हो सब में सेम मॉलिक्यूल्स से। तो आप सबसे ज्यादा प्लेजर और हैप्पीनेस देने वाली चीजें चूज करें क्योंकि इन सब में को, जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तो थोड़ा प्लेजर ही खाना सही नहीं है मैं मानता हूँ की एंटी ऑक्सीडेंट है लेकिन हनी में बहुत ज्यादा शुगर भी तो होता है अगर आपको एंटी ऑक्सीडेंट्स ही चाहिए तो आप फ्रूट और वेजिटेबल से ले लो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्पाइक भी नहीं देंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक टी हनी में जितना एंटी मिलता है उतना ही एंटीऑक्सीडेंट आपको एक ब्लूबेरी में भी मिल जाता है तो अगर आप एक पूरी छोटी ब्लूबेरी खाते हैं तो आपको समझो सिक्स टी स्पून जितना हनी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है तो क्या बेहतर है और ये आपको बिना शुगर स्पाइक के मिलेगा इसलिए हनी एंटीऑक्सीडेंट के लिए बेस्ट नहीं है मैं नहीं चाहता हूं कि आपको बेवकूफ बनाया जाए मैं चाहता हूं कि आप समझें और कंशियस और अवेयर होके अपना फैसला लें और आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं उसका क्या होने वाला है एक और चीज बहुत ज्यादा जानने लायक है मैं समझता हूं क्योंकि आजकल आप देखें फूड मैन्यूफेक्चर शुगर को हेल्थियर दिखाने के लिए नए नए नाम देने लगे हैं जब आप पैकेज के न्यूट्रिशन फैक्ट्स को देखें तो उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव नाम है जैसे कि फ्रूट प्यूरी के नाम से बुलाते हैं ग्लूकोज सिरप बोलते हैं हाई कॉर्न सिरप हो गया सैक्रोज बेलोल हो गया पाम शुगर हो गया पेनीला हो गया केन शुगर कौन स्वीट कौन सॉलिड फ्रूट फ्रूट जूस कंसंट्रेट। अगर आप लेबल पर गए है। ये सब से है। इसके ऊपर तो फूड फार्मर ने भी एक कैंपेन बहुत शानदार चलाया था आई थिंक उसका इंपैक्ट भी काफी ज्यादा पड़ा होगा कैंपेन उन्होंने चलाया था लेबल पढ़ेगा इंडिया आई विश अब वो कैंपेन चलाएं कि अब लेबल पढ़ के आगे क्या करेगा इंडिया फूड मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स हेल्दियर लगें जो कि वो है ही नहीं बहुत ज्यादा एनॉय करती है वो है 100% परसेंट नेचुरल टैग ये आपको बहुत ज्यादा बॉटल्स पे देखने को मिल जाएगा और जब आप इसके डिटेल में जाएं पीछे जब आप इसके लेवल को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि 100% परसेंट इक्वेल टू है ये सिर्फ ये मतलब रखता है कि प्रोडक्ट में कोई सिंथेटिक सिंथेटिक एडिटिव या फिर आर्टिफिशियल प्रोडक्ट जैसे कलर एडिटिव नहीं है ये मतलब नहीं होता इसका की प्रोडक्ट में शुगर नहीं है अब एक और एग्जाम्पल रियल फ्रूट रियल तो नाम है उसका और हमें क्या मिल रहा है की ये रियल फ्रूट से बना होगा अब जब व्हाइट शुगर के बड़े बड़े बैग देखे ना कभी गूगल करके देख लेना चाहे उसमें भी आपको हंड्रेड नेचुरल लिखा हुआ मिल जाएगा इसी तरह आप एक प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें लिखा हो नो शुगर एडेड भी एक मार्केटिंग है नो शुगर एडेड का मतलब सिर्फ ये होता है कि प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में उन्होंने कोई शुगर एड नहीं किया है अब इसका ये मतलब नहीं होता कि प्रोडक्ट में शुगर नहीं है डिफरेंस समझिए यही सबसे ज्यादा मतलब ये हमारे ना हॉट के साथ हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल वो फ्रूट का यूज करते हैं एज अ बेस उसमें से शुगर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट में डाल देते हैं और फिर उसे नो no एडिट शुगर बोल देते हैं क्योंकि उन्होंने होल फ्रूट से शुगर लिया है तो लिख सकते हैं कि उसमें उन्होंने शुगर एड नहीं करी है अगर आप 100% नेचुरल ऑर्गेनिक नो शुगर एडेड ग्लूटेन फ्री फैट फ्री पैकेजिंग पर देखते हैं तो आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं हमेशा लेवल के पीछे देखें और आपको वहां पर शुगर मिलेगा जरूर मिलेगा फिर भी फूड्स जिसमें शुगर है खाना ठीक है लेकिन आपको पता होना चाहिए और बेवकूफ नहीं बनना चाहिए ये सोच के कि ये प्रोडक्ट्स आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं प्रोडक्ट्स जिसमें शुगर है वो सिर्फ हमारे प्लेजर के लिए और एंजॉयमेंट के लिए होते हैं मैंने कुछ ग्लूकोज हैक्स डिस्कवर किए हैं आप यूज करें ताकि उनका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर कम हो जो आप शुगर ले रहे हैं। हम शुगर एंजॉय कर सकते हैं ये नहीं है कि शुगर खाने ही नहीं है लेकिन हम इसके इम्पैक्ट को कम कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा अब हैक्स में जब भी आप शुगर खाते हैं कभी भी शुगर को खाली पेट ना खाएं। मतलब इसको अकेले मत मतलब। पर आप प्रोटीन या फैट या फाइबर की कवरिंग डालते हैं जैसे फ्रूट्स पे होते हैं हमेशा शुगर खाने से पहले विनेगर का ड्रिंक ले लें तो ये सारी चीजें आपके ग्लूकोज स्पाइक को बचाएगी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगी अब बड़ा डिबेट स्वीटनर्स की टॉपिक पर जब मैं स्वीटनर्स की बात करता हूं तो मेरा मतलब ऐसे प्रोडक्ट से है जो कैलोरीज कंटेन नहीं करते स्वीट टेस्ट बस देते हैं जैसे कि स्टीविया हो गया एलुलोज हो गया मोंग फ्रूट हो गया एरिथराइटॉल हो गया जाइलोटॉल हो गया फंडामेंटल साइंटिफिक फैक्ट ये है कि कुछ स्वीटनर्स हमारे हेल्थ पर साइड इफेक्ट कॉज करते हैं जैसे इंसुलिन स्पाइक कराते हैं ग्लूकोज स्पाइक कराते हैं माइक्रोबायोम डैमेज कराते हैं और ज्यादा क्रेविंग्स भी करवाते हैं आप स्वीटनर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करें एक कैटेगरी जिसमें स्वीटनर्स अवॉइड करना चाहिए और दूसरी कैटेगरी जिसमें स्वीटनर्स प्रॉबेबली सेफ हैं अब तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो बैड स्वीटनर्स जो अवॉइड करने चाहिए वो है एस्पार्टेम मैल्टीटोल मेल्टीटोल सुक्रोलोज साइलोटोल और एसी सल्फेम बेटर स्वीटनर्स जो कम इंपैक्ट करते हैं हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर वो है एलोलोज स्टीविया एरेथरोल और मॉन्ग तो अब सब कुछ रिकैप करते हैं कोई भी टाइप की शुगर खाएं जो आपको पसंद हो सब सेम ही है आपकी बॉडी के लिए चाहे वो हनी हो अगावे हो व्हाइट केन शुगर हो ब्राउन शुगर हो मेपल हो कुछ भी हो। बस मेरे बताए हुए तरीके यूज करें जैसे कि मैंने बताया कि विनेगर ले लें विनेगर ड्रिंक ले लें और ऊपर कुछ कवरिंग ऐड कर लें ताकि ये आपके शुगर के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर और मार्केटिंग कंपनीज के ट्रिक्स से फूल ना बने जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि उनका प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है अगर आप स्वीटनर्स यूज करते हैं तो कोशिश करें कि लेस गुड कैटेगरी से बेटर कैटेगरी के, के स्वीटनर्स पर स्विच करें ये सब था मेरे पास आज के लिए यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में